सतना नगर निगम और जिला प्रशासन के राजस्व अमले ने आज सिविल लाइन थाने में आवंटित शासकीय आराजी और अमोधा तालाब को अतिक्रमण मुक्त कराया है। भारी पुलिस बल के साथ निगम एवं जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने इस पर कार्यवाही करते हुए 14 मकानों पर बुलडोजर चलाया है। कार्यवाही के दौरान नगर निगम का अतिक्रमण दस्ता भी SP सहित शहर के तीनों थाना के TI और भारी पुलिस फोर्स मौजूद रहा। सतना का सिविल लाइन थाना भी कुछ सालों से अतिक्रमण के खासा चपेट में था, जिसमें एक दर्जन से अधिक कच्चे व पक्के मकान बने हुए थे, जिन पर आज निगम एवं राजस्व अमले की संयुक्त टीम ने बुलडोजर चला दिया है। दरअसल सिविल लाइन थाना की आवंटित जमीन और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के सौंदर्यीकरण के लिए प्रस्तावित अमोधा तालाब लंबे समय से अतिक्रमण की चपेट में था, जिस पर एक दर्जन से अधिक लोगों ने कच्चे व पक्के मकान बना रखे थे। आज निगम व राजस्व अमले की संयुक्त टीम ने बुलडोजर चलाकर ढहा दिया है। इस कार्यवाही को अंजाम देने के लिए निगम प्रशासन ने पहले ही नोटिस जारी कर रखा था। जब अतिक्रमणकारी नहीं हटे तो रविवार को भारी पुलिस बल की मौजूदगी में 14 मकान ढहा दिए गए। कार्यवाही के दौरान अतिक्रमणकारियों और अतिक्रमण दस्ते के बीच तनाव की स्थिति भी निर्मित होती रही, लेकिन भारी पुलिस बल की मौजूदगी में निगम प्रशासन ने समझाइश देकर उन्हें हटा दिया। सतना से संपत मिश्रा की रिपोर्ट। अभी ये अमौधा स्थित आराजी खसरा नंबर 401 जो कि हमारा पुलिस विभाग को लैंड ट्रांसफ़र हुई है, और आज की स्थिति में वो सिविल लाइन थाना के नाम पर वो आराजी है। इसमें लगभग 14-15 लोग झुग्गी झोपड़ी बना करके अतिक्रमण किए हुए थे। सबको नोटिस जारी की गई नगर निगम की ओर से, और आज उनको हटवाने की कार्रवाई की गई है। लगभग सभी हट गए हैं और इनके सामानों को यथास्थान जहां उनके घर वगैरह हैं, लगभग लोगों के मकान कहीं ना कहीं बने हुए हैं, उनके मकानों तक नगर निगम के द्वारा इसको शिफ्ट करवाया गया है, भिजवाया गया है वाहन के माध्यम से, ट्रैक्टर टेम्पर से सामान उनका वहाँ। ये सिविल लाइन थाना के पीछे अमोधा तालाब में स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है। जिस जमीन से अतिक्रमण हटाया गया है वो पुलिस विभाग को सिविल लाइन थाना के नाम से जमीन अलाट है। हम लोगों ने पूर्व में नोटिस जारी किया था, 3-4 दिन से लगातार अनाउंसमेंट हो रहा है, आज सुबह भी अनाउंसमेंट कराए, इसके बाद भी लोग हटने को तैयार नहीं थे, तो पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन एवं नगर निगम की संयुक्त टीम द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की।